शक्ति योजना चालू होने के बाद आज 9 तारीख है। 1 तारीख को हमारी जो है KKRD से एम्प्लॉयज की पेमेंट होना चाहिए था, आज तक जो है ये पेमेंट नहीं हुई है। जब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से बात करने जाते हैं तो कहते हैं कि बजट का प्रॉब्लम है। शक्ति योजना का पहले 5 करोड़ डेली आते थे, हमारे को एक्सपेंडिचर होता था, 2.5 करोड़ में हमारा सैलरी होता था डेली का। सरकार देना, सरकार क्या अभी हमको नहीं दिया। हम ये सरकार को और हमारा निगम को एक रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगले तारीख से 1 महीना को हमारा सैलरी होना टीम में, वो हम टीम मीटिंग करते डिसीजन लेते, अगर नहीं दिया तो हम होराट को चले जाते सब। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute. Okay. आज हम पेपर के जरिए, टीवी न्यूज़ के जरिए, आज जो है सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जो शक्ति योजना चालू करे हैं कर्नाटका स्टेट में, हम आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप जो है कर्नाटक में शक्ति योजना चालू करके आवाम को जो है सहूलत दी है। और इसी साथ हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं शक्ति योजना चालू होने के बाद, आज 9 तारीख है, 1 तारीख को हमारी जो है KKRD से एम्प्लॉयज़ की पेमेंट होना चाहिए था, आज तक जो है ये पेमेंट नहीं हुई है। जब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से बात करने जाते हैं तो कहते हैं कि बजट का प्रॉब्लम है। रोज का दिन, हर दिन जो है 4 करोड़ तक हमारे को नगद टिकट इश्यू होती थी, वो पेमेंट आता था। शक्ति योजना चालू होने के बाद हमारे को जो है 45% कैश हो रहा है और 55% जो है शक्ति योजना के टिकट दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो पैसा हमको आ रहा है वो डीजल को और स्पेयर को ही बस होना मुश्किल है, जिसमें पेमेंट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो शक्ति योजना में टिकट दिए गए हैं, जो अमाउंट बाकी है, सरकार जल्द से जल्द जो है वो पेमेंट करें ताकि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह हो। जैसा कि आप जानते हैं, अगर से पेमेंट नहीं हुई तो जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी एम्प्लॉयज़ की डिफ़िकल्ट होती है, खाने पीने का मसला होता है, गैस सिलेंडर से लेकर हर वो चीज़ उसकी ज़िंदगी, किराया, गैस सिलेंडर और लाइट का बिल, ये सारे चीज़ें जो है इंसान की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, आजकल पेमेंट अगर से नहीं हुई तो जो है उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो उसको दुश्वार होता है। इसीलिए इसी सिलसिले में हम आए हैं कि यहाँ पे जो है आपके ज़रिए ये बात जो है सरकार को पहुँचे, सरकार जो है इसको जल्द से जल्द हल करे। सरकार के जो शक्ति योजना था उसको जो है हम कदम ब कदम जो है काम कर रहे हैं, ऐसी डिफ़िकल्टीज़ में जो इतने रश हो रहे हैं बस, जिसमें कई औरतें जो है इतने रश बस में भी जो है हमारे कंडक्टर ड्राइवर्स काम कर रहे हैं सरकार के लिए, तो सरकार का भी ये काम होता है कि हमको भी पेमेंट मिले जल्दी, हम भी जो है आराम से काम कर सके ताकि आपको आगे हेल्प हो। तो हमको हमारा मेन मुद्दा यही है कि ये सारे पैसे हमको नहीं पहुंचने की वजह से जो रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ है वो लोगों की आशा ग्रेजुएटी का मसला है, लिव इन कैश का मसला है, जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं मेडिकल रीइंबर्समेंट का मसला चल रहा है, और रेगुलर एम्प्लॉयज़ को लिव इन कैशमेंट नहीं दिया जा रहा है। ऐसे कई सहूलतें हैं, वो सहूलतें जो है एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रही है। सरकार से हम निवेदन करते हैं, मांग करते हैं सरकार से, सिद्धरामैया साहब से और रामलिंग रेड्डी साहब से, कि जो पैसा हमको आना है हमारे डिपार्टमेंट को, वो पैसा जल्द से जल्द रिलीज़ करें ताकि जो है हम भी जो है आपको जो है आने वाले दिनों में आपके साथ जो है रहे, आपका साथ दे, आपके साथ रहने के लिए हम तैयार रहें। ये बात बोलते हुए जो है
मैं पेपर वालों से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग जो है ये बात को ऊपर तक पहुँचाएँ, ताकि जो है एम्प्लॉयज़ को जो फ़ायदा होना है वो फ़ायदा करा के देने के लिए वो लोगों को पेपर के ज़रिए मीडिया के ज़रिए जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं। सर मेरा नाम है विठल मेमन, वर्किंग प्रेसिडेंट डिवीजन 1 KKRDC KKRDC। सर मेरा नाम है विठल मेमन, वर्किंग प्रेसिडेंट डिवीजन 1 KKRDC KKRDC। साहब अभी हमारे को एक महीना तनख्वाह होता था, हर महीना पहला एक तारीख को हमारा एम्प्लॉयज का तनख्वाह होता था, ये बार नहीं हुआ अभी तक। क्यों बोले तो ये शक्ति योजना सरकार जो ओपनिंग किया वो हमको बहुत खुशी है, जो हमारा बहनों को अच्छा किया, लेकिन हमारा एम्प्लॉय को अच्छा नहीं हुआ। क्यों बोले तो हमारे को डेली 5 करोड़ आते थे, 5 करोड़ में अढ़े करोड़ खर्च होते थे, 2.5 करोड़ में हमारा एम्प्लॉय सैलरी होता था। अभी क्या हो रहे हैं, 2.5 करोड़ आ रहा है, 2.5 करोड़ नहीं आ रहा, इसका जो भरना है। आपका जो है ना, आप डेली आते थे या मंथली आते थे? मैं डेली से पर डे का बोल रहा हूँ, पर डे शक्ति योजना का पहले 5 करोड़ डेली आते थे हमारे को। 5 करोड़ आया तो हमारे को 2.5 करोड़ स्पेयर पार्ट्स डीजल एक्सपेंडिचर होता था, 2.5 करोड़ में हमारा सैलरी होता था डेली का। ये अभी क्या हो गया, 2.5 करोड़ नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, मतलब वो 2.5 करोड़ स्त्री शक्ति का योजना का है, वो क्या हो, सरकार देना पैसा, वो क्रेडिट सिस्टम सरकार देना, सरकार क्या अभी हमको नहीं दिया। क्यों बोले तो एक पहले ये दिया तो ये हमारा सैलरी होता, वो पैसा नहीं दिया, अभी नहीं हुआ। अभी 36 करोड़ दिया पैसा, लेकिन लिखित में दिया, अभी हमारा सेंटर केंद्र कचेरी में अकाउंट में नहीं आया। हम ये सरकार को और हमारा निगम को एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे 1 तारीख सैलरी आगे महीने से, ये महीना नहीं हुआ फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगले तारीख से 1 महीना को हमारा सैलरी होना। क्यों बोले तो और सैलरी होना और हमारा और क्या है, ये बस का रेट बढ़ाना साहब। क्यों बोले तो अभी देखो दूध का रेट बढ़ गया, केवी का रेट बढ़ गया, लिकर का रेट बढ़ गया, टैक्स का रेट बढ़ गया, व्हीकल सभी का रेट बढ़ गया, लेकिन हमारा रेट नहीं बढ़ रहे। क्यों बोले तो हम रेट बढ़ गया तो हमारा अभी डीजल पहले कम रेट था, अभी रेट ज़्यादा हो गया, 68 था, अभी 88 है, फिर इतना डिफरेंस अमाउंट है, हम उतने में एडजस्ट करने नहीं होता, वो डीजल को पैसा हमें देना पड़ता, इसलिए हमका रेट भी फिर ज़्यादा हो गया तो हमारे को थोड़ा अच्छा होता था। तो बोल के मेरा हाँ जी साहब, आपके डिमांड जो डिफरेंस अमाउंट है गवर्नमेंट से वो आना, एंटायर शक्ति योजना का अमाउंट तो इन एडवांस आना सर, अब आगे हर महीने क्या बोलो, अब आगे अगर तनख्वाह नहीं दिया तो, तनख्वाह नहीं दिया तो साहब हमारा एक संघ, हमारा प्रेसिडेंट है साहब, हमारा ये टीम है, वो हम टीम मीटिंग करते हैं, मीटिंग करते डिसीजन लेते, अगर नहीं दिया तो हम होराट को चले जाते साहब। This video presented by Al Sharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Al Sharay Group of Institute.